खाना खजाना भी सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोली इडली। गोली इडली बनाने के लिए एक भगोना लिया है, इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। पानी में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी, स्वाद अनुसार नमक। पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1.5 कप चावल का आटा। आटे को मिक्स करते हुए पकाएंगे जब तक कि आटा पूरा पानी सोख ना ले। आटे ने सारा पानी सोख लिया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आटा और पानी दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आटे को ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि आटा अच्छे से फूल जाए। 5 मिनट हो गए हैं आटे को ढक के रखे हुए। आटे को एक परात में निकाल लेंगे। हथेली पे हल्का सा तेल लगा के आटे को मसल लेंगे। इस तरीके से आटे को मसलेंगे। आटे को थोड़ा गुनगुना गुनगुना ही मसलना है, तभी आटा चिकना होगा। अगर आपका डोट थोड़ा सा टाइट रह जाता है तो उसमें गुनगुना पानी डाल के मसल लीजिए। आटे को मसल मसल के एकदम चिकना कर लिया है, देखिए एकदम स्मूथ और चिकना आटा गूंथ के तैयार हो गया है। इडली को स्टीम करने के लिए हमने इस तरीके से जाली वाली थाली ली है, इसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। थाली को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। हथेली पे हल्का सा तेल लगाएंगे, थोड़ा सा डो लेंगे इस तरीके से और इसको चिकना करेंगे इस तरीके से। लोई को एकदम चिकना कर लेंगे, इसको थाली में रख देंगे। दोबारा से डो लेंगे, चिकना करेंगे, गोल कर लेंगे। इसी तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बना के थाली में रखते जाएंगे। बॉल्स को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, एकदम छोटा छोटा ही बनाना है। सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं। इडली को बॉयल करने के लिए कढ़ाई में पानी उबलने रख दिया है। पानी में उबाल आ गया है, अब इसके ऊपर थाली रख देंगे, इसको ढक देंगे। इडली को हाई फ्लेम पर पकने देंगे। चटनी बनाने के लिए फ्राई पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गरम होने देंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है, इसमें 4-5 कली लहसुन की डालेंगे। साथ में ही डाल देंगे 1 मीडियम साइज का लंबा कटा हुआ प्याज। दोनों को हल्का सा भून लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। प्याज और लहसुन दोनों को हल्का सा भून लिया है, अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज के लंबे कटे हुए टमाटर। साथ में ऐड कर देंगे 3 लाल मिर्ची। मिक्स करेंगे। टमाटर को ढक के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। टमाटर को बीच बीच में चला देंगे। दोबारा से ढक देंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इनको ठंडा होने देंगे। टमाटर प्याज दोनों ठंडे हो गए हैं, इनको मिक्सर जार में डालेंगे। साथ में ही ऐड कर देंगे 1/2 कप नारियल, 1/2 कप पानी, थोड़ा सा इमली का टुकड़ा, स्वाद अनुसार 1/4 चम्मच नमक। चटनी को एकदम बारीक पीस लेंगे। चटनी को एकदम बारीक पीस लिया है, अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। चटनी में तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच राई। राई को अच्छे से भून लेंगे। 10-12 करी पत्ता, 1 लाल मिर्ची, लाल मिर्ची को 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है। राई, करी पत्ता, लाल मिर्ची दोनों अच्छे से भुन गए हैं। तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे, चटनी में मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी अच्छी चटनी बन के आई है। 10 मिनट हो गए हैं इडली को बॉयल होते हुए। देखिए ये कितनी छोटी छोटी सी थी और कितनी बड़ी हो गई फूल के। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इडली को हल्का सा ठंडा होने देंगे, तब इनको फ्राई करेंगे। इडली को फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच चना दाल,
एक छोटा चम्मच उड़द दाल, एक छोटा चम्मच सफ़ेद तिल, आधा छोटा चम्मच राई, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 10-12 करी पत्ते, आधा छोटा चम्मच कुटा हुआ अदरक। सभी को अच्छे से भून लेंगे, गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक कर दीजिए। सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं, अब इसमें डाल देंगे इडली। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, इडली को तड़के में अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हल्के हाथों से ही चलाएंगे, नहीं तो इडली टूटने का डर रहेगा। इडली को 5 मिनट तक उलट पलट के फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं इडली को फ्राई होते हुए, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को अच्छे से मिक्स करेंगे। इडली को सर्व करने के लिए फ्राई पैन से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी गोली इडली फ्राई होके आई है। गोली इडली सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।